हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक और नई रेसिपी जो की है चिकन बिरयानी। सो ये जो थाइस के पीसेस होते हैं, जो बोनलेस पीस हैं, वो मैंने लिए हैं। आधा केजी चिकन है अपना, इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन मैंने किया है। मैरिनेट कैसे करेंगे दोस्तों, कोई जितने सूखे मसाले हैं वो मैंने सारे डाल दिए हैं। हल्दी, मिर्च, नमक मसाला, जो भी आपको डालना है, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ठीक है। इधर मैंने एक नींबू निचोड़ लिया है, ठीक है। इधर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम ले लेंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पे हरी मिर्चा, प्याज का बारिस्ता जो होता है, प्याज जो ऑनियन फ्राई करते हैं हम लोग, उसके बाद जो सूखा प्याज हो जाता है जिसको हम लोग बारिस्ता बोलते हैं दोस्तों, तो उसको भी आप इसमें मसल के डाल सकते हैं। पुदीना की, धनिया की पत्तियां डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। इधर मैंने 3 चम्मच ले लिया है दही, वो इसमें मिला लिया है अच्छे से। मैंने सिंपल सा भी किया है क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में मैं यूज़ करूँगी, सो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। पुदीना नहीं हो तो पुदीना सूखा हुआ मेरे पास रखा था, मुझे नहीं याद रहा था दोस्तों। सो आप सूखी हुई जो पत्तियाँ सुखाते हैं उसको भी मसल के इसमें डाल सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया, आपको बता रही हूँ, अगर मैं भूल गई हूँ तो आप लोग ना भूलिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, पुदीने का फ्लेवर आता है। नहीं है तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, जैसे सूखी वाली जो होती है वो भी आप डाल सकते हैं। बस इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे फ्रिज में, फ्रिज या फ्रीजर में रख दिए। फ्रीजर में रख देंगे तो 1 घंटा रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा तो 2 घंटे तक रख दीजिएगा, 2 से 1.5 घंटे तक रख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका चिकन है सॉफ्ट बनेगा, बहुत जूसी बनेगा दोस्तों। इधर मैंने ले ली है अपनी मशीन जिसमें हम ओनियन को स्लाइस करेंगे, जैसे कि बारिस्ता बताया मैंने आपको बनाने के लिए, इसलिए मैंने बारिस्ता पहले नहीं डाला क्योंकि बारिस्ता मैं बाद में बना रही हूँ। तो जो बिरयानी बनाएंगे जिसमें हम चिकन के पीस फ्राई करेंगे तेल में, ऑयल में, उससे पहले मैं ये प्याज को फ्राई कर लूँगी, उसको हम बारिस्ता कहते हैं दोस्तों। तो ये प्याज मैंने स्लाइस कर लिया। देखिए मशीन बहुत अच्छी है दोस्तों, आप बताइएगा तो मैं इसकी लिंक शेयर करूँगी आपके साथ, अगर आप कहेंगे आपको पसंद है ये मशीन। मुझे तो 4-5 साल हो गई है इसको लिए, सो मेरे को तो बहुत हेल्पफुल है, लगती है ये लेडीज़ के लिए। किचन में ये बहुत ज़रूरी है होना, ताकि बहुत सारी क्वांटिटी में जो प्याज होता है या आलू हो या गाजर हो, तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत तो कट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जब बनाना होता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। ये देखिए मैंने बिरयानी चावल ले लिए हैं, तो मैंने रॉयल का लिया था, आप कोई भी ले सकते हैं जो लंबा वाला होता है चावल। ये गरम मसाला मेरे पास था, मैं दिखा रही हूँ आपको दोस्तों। गरम मसाला कोई भी खड़ा हो आपके पास, जो हो अवेलेबल वो आप यूज़ कीजिए। दालचीनी, फूल चक्री, इसमें सारी चीज़ें निकलती हैं, तो सारे मसाले एक पैकेट ले लीजिएगा, सारा काम चल जाएगा। बिरयानी मसाला बाहर से मत लीजिएगा दोस्तों, यही मसाले होते हैं, इन्हीं से बिरयानी मसाला बनता है, लेकिन वो बाहर का होता है। अपने घर पे बनाइए, अच्छे से उसको सुखाइए, फ्राई कर लीजिए थोड़ा सा कढ़ाई में या तवे में, और अच्छे से उसको ग्राइंड कर लीजिए। ज़्यादा महीन पाउडर ना बनाइए, थोड़ा मोटा रखिए, तो उससे बिरयानी मसाला का टेस्ट आता है, ठीक है। ये देखिए मैंने जैसा कि बताया, कढ़ाई में मैं प्याज ले लूँगी, सरसों का तेल मैंने डाला है, सरसों का तेल ही यूज़ कीजिएगा। भले ही आप चिकन के लिए, मतलब सब्जी बनाने के लिए, जैसे जब भी चिकन मटन जो भी बनाएं वो घी में, जैसे भी बनाएं, लेकिन बारिस्ता जब बनता है वो सरसों के तेल में ही फ्राई होता है दोस्तों। ये देखिए हम यहाँ धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे, जैसे ही फ्राई होगा हमारा बारिस्ता, प्याज हमारा जैसे ही क्रिस्पी होने लगेगा हम इसको निकाल देंगे। पहला वाला बैच मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मैरून ज़्यादा हो गया था, थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया, तो कुछ करने लगी थी मैं दोस्तों, तो कब वो लाल हो गया ज़्यादा सा तो मुझे पता नहीं चला। सो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, हिलाते रहिएगा। देखिए मैंने निकाल लिया सारा, इस तरह से इसको निकाल लेंगे दोस्तों। ऑयल इसका सेपरेट करने के लिए ऐसी छन्नी लीजिएगा जिसमें इसका ऑयल सेपरेट हो जाए अच्छे से, और फिर टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिएगा इसको, ताकि इसका ऑयल थोड़ा सा सूख जाए, तो प्याज हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, ठीक है। ठंडा होने के बाद इसको आप हाथों से मसल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा लाल हो गया था, दूसरा वाला बैच मेरा ठीक भुना था, लेकिन पहले जो बैच था उसमें थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया था। सो आप ऐसे कर लीजिएगा। बिरयानी का चावल मैंने यहाँ पे धुल लिया था अच्छे से, 2-3 बार धुलने के बाद मैंने आधा के जी चावल लिया है दोस्तों, आधा के जी चिकन है, आधा के जी चावल है, ठीक है। इसको धुलने के बाद 2-3 बार पानी से अच्छे से, क्योंकि इसका स्टार्च होता है ना चावल का, वो रहना नहीं चाहिए, अच्छे से साफ़ हो जाए,
ठीक है 10-15 मिनट के लिए भिगो दीजिएगा। उसको धुलने के बाद हमने पानी ले लिया, जैसे 1 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास हमने पानी ले लिया है थोड़ा सा ऊपर। इधर मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं, लौंग ले ली है 2 से 3 लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, फूल चक्री है, जीरा है, आप जो भी मसाले यूज़ करना चाहें इस पर ठीक है उसमें आप डाल सकते हैं, या धनिया भी डाल सकते हैं इसमें, इस स्टेज पे पुदीना के पत्ते भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इधर ले लिया 1 चम्मच देसी घी, वो डाल दिया है ताकि चावल हमारे एक दूसरे में ना चिपके और अच्छे से अलग अलग बिल्कुल खिले खिले बने। 80% पका लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं इसका पानी नहीं निकालूंगी, लोग इसको पानी इसका फिल्टर मतलब हटा देते हैं जैसे पानी ज़्यादा सा लेते हैं और इसको पानी को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो मैं नहीं करती हूँ दोस्तों। मैं पानी इसका उतना ही रखती हूँ जितने में चावल पक जाए, ठीक है। अभी हमारे पक गए हैं, देखिए ये अब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और उसको ढक देंगे हल्का सा, तो चावल इसी में भाप में ही अच्छे से हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, चावल को किसी बड़े बर्तन में फैला लेंगे निकाल के, ठीक है, ताकि ठंडे हो जाए और अलग अलग हो जाए चावल। इधर हमने ले लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में ले लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, जो बारिश्ता हमने जिसमें फ्राई किया था ना प्याज का, प्याज फ्राई किया था ना उसी में सारे मसाले हम जो खड़े मसाले थे वो हम डाल देंगे। इधर मैंने 2 प्याज कट करके डाल दिया था, ठीक है, और लाल मिर्च आप डाल दीजिएगा तोड़ के, साबित वाली जो होती है, हरी मिर्च डाल सकते हैं, पुदीना धनिया के पत्ते डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, हाफ फ्लेवर के लिए बढ़ाने के लिए कुछ भी दोस्तों डाल सकते हैं। बाकी मैंने प्याज फ्राई किया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा डाला है, खड़े मसाले डाले हैं, ठीक है, नमक डाल दीजिएगा क्योंकि बिरयानी जो बना रहे हैं हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे हैं, तो मसाले जो मैरिनेशन में हमने लगाए थे चिकन में वही मसालों से हम पकाएंगे, ठीक है। इधर बारिश्ता था, थोड़ा सा मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है, 2 चम्मच दही ले लिया है, इसको पीस लेंगे। अब पेस्ट जैसा कि मैंने बताया, मेरा बारिश्ता थोड़ा सा मैरून डार्क ब्राउन हो गया था तो इसका कलर ऐसा आया दोस्तों, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी मतलब टेस्ट में कोई भी वो नहीं होगा कि जैसे लगे कि ना टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इधर जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने अब डाला है, पहले नहीं डाला था, भूल गई थी, अभी डाला है दोस्तों, ठीक है। खड़े मसाले ज़रूर डालिएगा और दालचीनी अगर आपके पास हो तो उसको ज़रूर डालिएगा, फूल चक्री हो वो भी डालिएगा। ये सब खड़े मसाले का एक पैकेट ले लीजिएगा, उसमें सारे मसाले निकलते हैं, उससे क्या है टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों, और चिकन बिरयानी में सब खड़े मसालों का बहुत महत्व होता है, उसी का सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है। बाकी लाल मिर्च थोड़ी कम डालिएगा क्योंकि बच्चे खाते हैं चावल पसंद करते हैं, तो बच्चे तीखा ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, तो उस हिसाब से मैंने तीखा बनाया था। आप अगर जैसा ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। इस स्टेज पे लाल मिर्चा भी डाल सकते हैं। जब मसाला मेरा भुन रहा था ना चिकन में, जो मैंने मसाला बारिश्ता डाला है, प्याज जो पेस्ट डाला है मिक्सी के जार से पीस के, उस स्टेज पे आप हल्दी मिर्च गरम मसाला धनिया पाउडर और डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है, मैंने मैरिनेट वाला जो चिकन था फ्रीजर में रखा था मैंने 1 घंटे के लिए, वही खाली ला के बस उसमें मसाले में छोड़ दिया। देखिए फिर भी देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया, कलर ही नहीं दोस्तों टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था, टेस्ट एकदम जूसी बना था चिकन, एकदम पीस इसके सॉफ्ट थे। सो प्लीज़ दोस्तों बनाइएगा मेरी रेसिपी, अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगती हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मेरे चैनल पे अगर नए हो तब भी सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी ऐसे ही यूँ ही लाती रहूँ। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिएगा मुझे, और मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी किसी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे बना के देखिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ, ठीक है। भले ही सिंपल तरीके से बनाया है, कई तरीके से बनता है ये, लेकिन मैंने जैसे बनाया है मैं शेयर किया है आपके साथ। मैं प्लीज़ दोस्तों इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं इस तरह से बना रही हूँ ऐसे कर रही हूँ, बहुत गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, ऐसा नहीं है, सभी से होती हैं खाना बनाते पे, और कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, कुछ ज़्यादा डाल देते हैं, मसाले भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा होता है, धीरे धीरे सभी लोग सीख जाते हैं। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है, उसकी एक चिकन की लेयर लगा ली है, हमारा चिकन बन गया था, बन के तैयार हो गया था, उसमें 4 से 5 पीसेस ले लिए हैं और ग्रेवी उसकी डाल दी थी थोड़ी सी, 1 चम्मच घी लगाया था भगोने में, मैंने पतीले में बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा पतीला नहीं है, छोटे पतीले में ही बनाया था क्योंकि
जितनी हो जाए उतनी में ही, ज्यादा बड़ा बर्तन लेने से क्या होता है बर्तन भी गंदा होता है, तो आप कुकर में भी इसको बना सकती हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, खोल के बनाइए। अगर आपकी ग्रेवी कुकर में बनना है, कुकर में बनी है, तो आप थोड़ी सी निकाल लीजिए, कुकर में भी आप लेयर लगा सकती हैं चावल की इस तरह से, और डायरेक्ट भी बना सकती हैं। किसी दिन मैं डायरेक्ट वाली आपसे शेयर करूँगी बिरयानी, कि चावल और चिकन दोनों को साथ साथ ही पकाएं इस तरह से। ये देखिए हमने 2 से 3 लेयर लगा ली हैं, ठीक है, चिकन की लगाई है, फिर हमने बारिस्ता डाला है, धनिया डाली है, इधर 2 लेयर हो गई थी, तीसरी लेयर है। ये देखिए चावल हमने बिछा दिए हैं पूरी अच्छे से, पीसेस को ढक दिया है इस तरह से, और इधर बारिस्ता डाल देंगे हम, इधर धनिया की पत्ती डाल देंगे थोड़ी सी, इधर डाल देंगे हम गरम मसाला जो कि कहते हैं बिरयानी मसाला है। ये मैंने थोड़ा सा दूध में हल्का सा हल्दी डाली थी, आप कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों, और अगर फूड कलर आप ऑरेंज वाला रखते हैं वो डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी दूध में हल्दी डाल के कलर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। ये देखिए मैंने पीसेस बिछा दिए हैं अच्छे से, ठीक है, गरम मसाला डाल दीजिएगा, बिरयानी मसाला आप रखते हैं पाउडर आपके पास हो, पैकेट आपके पास हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर घर के अगर पिसे मसाले होंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिरयानी मसाला कोई और नहीं, बाहर के यही मसालों को मिला के पीसा जाता है दोस्तों, तो आप घर पे भी इनको बना सकते हैं। ये देखिए मैंने धनिया के पत्ते डाले, बारिश्ता डाला, धनिया के पत्ते डाले, फिर इधर डालेंगे हम गरम मसाला जो कि ये मैंने थोड़ा सा बचा था वो डाल दिया है दूध में जो मिला के रखा था हल्दी में। ये देखिए ये डाल दिए गरम मसाला, अब इसको हम ढक देंगे और दम कर देंगे। दम आप गैस पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और तवा रख के भी उसके ऊपर पतीला रख के दम लगा सकते हैं, ठीक है। चावल हमारा देखिए 20% रह गया था, वो भी इसमें पक गया है, खिला खिला चावल बना है दोस्तों, इस तरह से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, पानी भी उसी हिसाब से लीजिएगा, अगर 1 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास पानी से ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो उसी एक कुकर में बनाना है तो 1 गिलास चावल होगे और वही 1.5 गिलास पानी लीजिएगा, थोड़ा सा 1/2 गिलास ऊपर पड़ेगा, और बहुत अच्छी वैसे भी बनती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों किसी दिन। ये देखिए लगा लिया है, आइए टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों कैसी बनी है, बना के देखिएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोग अगर पसंद हो मेरी रेसिपी, मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और फुल वॉच कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से सर्व करिए, कोई भी गेस्ट आए आप खिला सकती हैं, बच्चों की फेवरेट होती है, बच्चों को अगर चिकन पसंद है, मटन पसंद है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, आप इस तरह से बनाइए, बच्चों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए, फैमिली में सबको खिलाइए, सबको अच्छा लगता है, और खाना किसको नहीं पसंद होता है दोस्तों, सबको पसंद होता है, सो अच्छा अच्छा बनाइए, खाइए, खिलाइए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरी रेसिपी यूँ ही आप लोग देखते रहिएगा। टेस्ट कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए कितना सॉफ्ट पीस है, हाथ से हाथ लगाते ही टूट रहा है, ये देखिए जूसी बना है। सो बाय बाय दोस्तों, आपने मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो देखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।